खरगोन जिले के गोगावां थाना क्षेत्र के शाहबेड़ी में दो दिन पहले पारिवारिक रंजिश के चलते दो पक्षों में हुई मारपीट में घायल की हालत बिगड़ने पर एक को इंदौर रेफर किया गया, जबकि अगले का उपचार अस्पताल में जारी है। घायल आपस में ससुर दामाद होकर करीब 20 साल बाद शाहबेड़ी लौटे थे। गोगावां थाना प्रधान आरक्षक एन.के. राय ने बताया कि शाहबेड़ी निवासी शेखू शाह करीब 20 वर्ष पहले अपने रिश्तेदार इकराम शाह के पारिवारिक झगड़े के चलते घर छोड़कर चले गए थे। दो दिन पहले उनके साले टंटू शाह का निधन हो गया, जिसके अंतिम यात्रा में सेफू अपने ससुर साकिर के साथ शामिल होने शाहबेड़ी आए थे। अंतिम यात्रा में इकराम शाहू और उनके परिवार के लोग भी शामिल हुए। उन्होंने सेफू से विवाद किया। रिश्तेदारों की समझाइश के बाद मामला उक्त शांत तो हो गया, लेकिन जब शाम के समय सेफू अपने ससुर साकिर के साथ पुराने मकान पर गए तो वहाँ इकराम और उसके परिवार के करीब एक दर्जन से अधिक लोगों ने सेफू और उसके ससुर पर अचानक हमला कर दिया, जिसमें सेफू के ससुर साकिर को गंभीर चोटें आने पर इंदौर रेफर किया गया, जबकि सेफू का उपचार जिला अस्पताल खरगोन में किया जा रहा है। मारपीट की सूचना पर पुलिस को इकराम साहू और उनके परिवार करीब 12 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।